नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस परीक्षा 5/10/2021 में पूछे गए द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र को। टॉपिक है जनरल इंग्लिश यानी सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सवाल कि स्पेल सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड यानी इसमें जो स्पेलिंग गलती है उसको चुनना है, मिस स्पेल्ड उसी को कहते हैं। तो इसमें जो स्पेलिंग गलती है वो है आपका ऑप्शन ए एम्ब्रो डायरी। इसका स्पेलिंग क्या क्या होता है ध्यान देके देखिए। इसका स्पेलिंग होता है ई एम ठीक है बी आर ओ आई डी ई आर वाई यानी यहाँ पर जो लगेगा यहाँ पर ई लगता, क्या लगता ई। और इसका मतलब होता है ठीक है लिखा जाना यानी कढ़ाई करना। जैसे किसी कपड़े वगैरह में धागे से कुछ लिखा जाता है उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom। जो मुहावरा दिया गया है इसका उचित मीनिंग आपको बताना है। कीप समवन इन द लूप, देखिए कीप समवन इन द लूप इसका मतलब क्या होता है, किसी को संपूर्ण सूचना देना, गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन। तो हो जाएगा ऑप्शन डी गिव देम और गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन। तीसरा नंबर है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेंट्स अ ग्रामेटिकल एरर यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से उस सेगमेंट को चुनिए जहाँ पर आपका ग्रामेटिकल एरर है यानी ग्रामेटिकल गलती है। तो देखिए इसमें जो गलती है उसको ढूंढेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ आई देयर हैड नॉट बीन सच ए लॉन्ग क्यू आई कुड हैव रिटर्न बैक माई बाय 11 AM ठीक है। वो क्या कह रहा है कि मैं यदि लंबे लाइन में नहीं लगता तो मैं 11 बजे तक पहुंच जाता ठीक है। तो इसमें क्या गलती है, इसमें जो गलती है वो है आपका कि दिया गया जो वाक्य है एक कंडीशनल वाक्य है। क्या है कंडीशनल वाक्य ठीक है। तो कंडीशनल वाक्य जिसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इफ से प्रारंभ होने वाला क्लज में हैड का प्रयोग हुआ हो, तो दूसरे क्लज में सब्जेक्ट के साथ वुड हैव कुड हैव शुड हैव का प्रयोग होगा ठीक है। वुड हैव कुड हैव और शुड हैव का प्रयोग होगा आदि का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न में इन सभी शर्तों का पालन हुआ है लेकिन रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग अनावश्यक किया गया है ठीक है। रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग अनावश्यक किया गया है ठीक है। तो उसमें जो गलती हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आई कुड हैव रिटर्न बैक। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको साइनोनिम यानी सिनोनिम चुन के बताना है टेंसाइल का। तो टेंसाइल मतलब होता है आपका नम्य और तन्य ठीक है। तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्ट्रेचेबल। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ये जो इस वर्ड दिया है इसका उचित एंटोनिम इस ऑप्शन से चुन के बताना है। स्लिक स्लिक का मतलब क्या होता है, देखिए स्लिक का मतलब क्या होता है ये पहले जानना जरूरी है। दिया गया जो वाक्य है स्लिक जिसका मतलब चिकना या चमकदार होता है, क्या होता है चिकना या चमकदार, तो इसका एंटोनिम होता है डल और रफ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी डल, एक और होता है रफ खुरदरा। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस ठीक है। इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें क्या ग्रामेटिकल एरर अगर कुछ है
और उसके जगह पर दूसरा कुछ अगर सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं तो करना है, तो नो सब्स्टिट्यूशन में आपको इसमें टिक मारना है। चलिए कहाँ जा रहा है, इधर इधर आओ, इधर देखिए। दी लैंग्वेज ही कैन स्पीक आर इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड कन्नाडा। इसमें क्या गलती है ये ढूंढना है, और यहाँ पर गलती ढूंढना नहीं है, यहाँ पर ये पता लगाना है कि इसके जगह पर कुछ और ये चार ऑप्शन में से क्या दे सकते हैं। देखिए दिया गया जो अंडरलाइन भाग बिल्कुल सही है, क्योंकि कैन के साथ भरवन का प्रयोग होता है, कैन के साथ भरवन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सात नंबर सवाल है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी आपको उस पार्ट को चुनना है जो ग्रामेटिकल एरर उसमें है। तो इसमें क्या लिखा, आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड एट हर बर्थडे, तो क्या होगा। देखिए दिए गए वाक्य में एट का प्रयोग गलत है, अर्थ के अनुसार ऑन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। एट बर्थडे नहीं होता, ऑन बर्थडे होता है, ठीक। आठ नंबर सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आपको उचित ऑप्शन चुन के भरना है। इससे क्या लिखा है, अपर्णा सेड सी वाज सॉरी सी हैड एस्ट टू ब्रिंग द बुक आई हैड आस्क्ड फॉर। देखिए इसमें जो हो जाएगा कि फॉरगॉटन फॉरगेट फॉरगॉट सॉरी फॉरगेट या फॉरगॉट क्या होगा, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फॉरगॉटन। हैड के बाद अगर आपका भर्व का प्रयोग करेंगे तो भर्व थ्री का प्रयोग होगा, ठीक है। खाली स्थान पर भरे जाने का संकेत जो होता है विकल्प से प्राप्त हो जाता है, विकल्प में फॉरगेट एम जो है ये मैन भर्व का ही अलग अलग रूप दिया गया है, तो यहाँ हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी भर्व थ्री का प्रयोग होगा। यही सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत स्पेलिंग वाले शब्द को चुनना है। देखिए मिस स्पेल्ड वर्ड जो है इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जर्मेंट, ठीक है। जर्मेंट नहीं होता है, गारमेंट होता है, जी ए आर एम ई एन टी, गारमेंट, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जीलस, आपको जीलस का उचित एंटोनिम बताना है, ठीक है। जीलस जो होता है उसका मतलब होता है उत्साही, उत्साहपूर्ण, ठीक है। तो एंटोनिम जो होता है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडिफरेंट, ठीक है, उल्टा। तो इसका हो जाएगा इंडिफरेंट, पैथेटिक और डिसपैशनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान आपको उचित शब्द चुन के भरना है। देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस इज द ग्राउंड विच इज डैश टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड, तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कंसीडर्ड माना जाता है। खालिस्तान के बाद जो शब्द दिया है इसका मतलब है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा ग्राउंड माना जाता है, ठीक है। और माना जाना जो होता है, माना जाना का अर्थ होता है कंसीडर्ड, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन, बस इसमें भी आपको नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल दिया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस बीरबल वाज फॉरबिडन फॉर अटेंडिंग द किंग्स फ्री लंच, यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, ये उसका अलग पार्ट है, तो इसमें आंसर क्या होगा,
सबसे पहले इसमें जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रॉम अटेंडिंग। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी आपको वन वर्ड में आंसर देना है। जैसे ये पर्सन वो कंपाइल्स डिक्शनरी, तो इसको क्या कहेंगे जो डिक्शनरी बनाता है? तो देखिए इसको जो कहेंगे वो कहेंगे आपका ऑप्शन डी, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी कंप्लीट करने वाला ये पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लेक्स। लेक्स का उचित साइनोनिम आपको बताना है। तो लेक्स का उचित साइनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेग्लिजेंट, स्लिप शॉर्ट, स्लैक और केयरलेस। तो इसमें क्या है नेग्लिजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। सिनेमा शो इन द आफ्टरनून क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सिनेमा शो इन द आफ्टरनून, तो ये हो जाएगा मैटनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी थोड़ा सा नींद लग जा रहा है, नींद का समय है। चलिए अगला जो आंसर हो जाएगा लेट अस नो, ये नहीं है। अगला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, उचित ऑप्शन आपको चुन के भरना है। तो लिखा वी वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू लेट अस नो व्हाट मेडिसिन वी शुड टेक फॉर दिस एलिमेंट। तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कूड, ठीक है कूड। यानी इस खाली स्थान पर कूड सही शब्द लिया जाएगा, जिसका एक प्रयोग होगा आपका बिन पॉसिबल के रूप में, ठीक है। 17 नंबर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो देख सकते हैं सेवरल पीपल्स होम्स वेयर बैडली ड्यूरिंग द फ्लड्स क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डैमेज्ड, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इसका आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए ऑफ द ओल्ड स्कूल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑफ द ओल्ड स्कूल, मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ओल्ड फैशन इन थॉट, ओल्ड फैशन इन थॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस नंबर सवाल है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है उसको आपको चुन के निकालना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लिसन मी, ठीक है। लिसन मी यानी किसी बात पर ध्यान देना, गौर से सुनना के लिए लिसन का प्रयोग न करके लिसन टू का प्रयोग करना चाहिए।